उनको छतरियां बांटी हैं, जो जूते गांठने वाले थे उनका उनको इतना मतलब है जो छतरियां बांट के। आप माहौल बताइए कि देश की संसद में बैठने वाला व्यक्ति जिसने सारा काम किया उसका माहौल, या फिर राहुल गांधी की पार्टी वाला और जो बीजेपी के बागी हैं प्रहलाद सिंह गुंजल उनका माहौल? नहीं, माहौल तो बिरला जी का ही है, जहाँ भी जाते हैं बिरला जी का ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम कोटा की जनता जो है मोदी को पसंद कर रही है कि राहुल गांधी को? मोदी के पीछे चल रही है। मोदी के पीछे चल रही है? हाँ बिल्कुल, मोदी के पीछे चल रही है। हाँ भाई, तुम्हारे आम और गुठलियों के दाम क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है? भाव 120 चल रहा है। 120 चल रहा है आम का भाव। सियासत का क्या चल रहा है, किस पर किसका ज्यादा माहौल? हाँ, सियासत का भाव तो भाव जब क्या बताए, तो टाइम बताएगा। नहीं तो ओम बिरला जी या प्रहलाद सिंह गुंजल, बीजेपी की कांग्रेस? उसे 90% तो बीजेपी चल रही है। 90% बीजेपी। देखिए, तो सीजन से पहले आम और गुठलियों के दाम, और यहाँ पे फिर फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। रोड से रिपोर्ट में लगातार आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे बुजुर्ग कुछ साथी खड़े हुए हैं। बुजुर्ग जो हैं वो उनसे ज़्यादा जानकारी सियासत में शायद कोई नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारा अनुभव इनको होता है, बहुत सारे आम चुनाव इन्होंने देख लिए। कितने आम चुनाव आपने देखे, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा? हमने तो सर अपनी लाइफ में, आई एम 75 ईयर ओल्ड हूँ मैं। सबसे पहला वोट जब आपने आम चुनाव में डाला था, किस पार्टी को डाला था और उस वक्त कौन नेता था यहाँ? इस सबसे पहले वोट जो मैंने डाला वो मैंने बीजेपी को डाला था। अच्छा, सबसे पहले? सबसे पहले। कौन सा सन था वो उस वक्त? उस समय 78 में। यस, 78 था। उस टाइम तो शायद जनसंघ? हाँ, जनसंघ था, जनसंघ की बात थी। अच्छा, तो जनसंघ के वक्त के यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जनसंघ को वोट डाला। बिल्कुल ठीक है सर। जनसंघ का वक्त। जी सर, जी सर। तो ये बताइए अंकल की यहाँ माहौल किसका है, कितना मतलब बीजेपी, कितना कांग्रेस, कितना नरेंद्र मोदी? यहाँ पर जो सर है, यहाँ जो इस वर्तमान में जो MP साहब है उनका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया है, कार्यकाल, इसलिए यहाँ पर माहौल तो बीजेपी का है सर। माहौल बीजेपी का? बिल्कुल सर। मतलब जिस तरीके से वो लोकसभा स्पीकर काम किया उन्होंने, बहुत काम किया कोटा के लिए। खास तौर से मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर, लॉकडाउन के समय पर उन्होंने काफ़ी बच्चों को, मैं इस लाइन से संबंधित हूँ इसलिए मैंने देखा है कि जितने भी बाहर के बच्चे थे उन सबको सकुशल घर पे वापस पहुंचाना। आया एक सेकंड, एक मिनट आया आपके पास। यहाँ पे जो राहगीर हैं, उस चलते हुए राहगीर, उनको पकड़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि आपका मीटर चालू है, अब किसके यहाँ पे रोड से रिपोर्ट में करने आया हूँ, तो ये बताइए यहाँ किसका माहौल सबसे ज़्यादा, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का है। बीजेपी का है? हाँ। बीजेपी की कांग्रेस? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, बीजेपी का ही है। कहीं ऐसा है कि यहाँ पे बोल दिया और घर में जा करके कह रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ? बिरला जी की गुंजल जी? बिरला। गुंजल का कोई फाइट ही नहीं है। कोई फाइट नहीं, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि अंकल ने जो बताया जिस तरीके से कि माहौल यहाँ इस तरीके का है, तो कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। ओम जी बिरला ही जीतेंगे। ओम जी बिरला के साथ साथ मोदी जी का फैक्ट भी है, दोनों चल रहे हैं यहाँ। तो ओम जी बिरला दोनों चलते हैं। हाँ। तो कोटा शिक्षा नगरी है, दूर दराज से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ वो छात्र आते हैं जिन्होंने पढ़ाई में मुकाम हासिल किया है, यहाँ से अधिकारी सब कुछ बनकर के जाते हैं, यहाँ से जो चीज़ें होती है। लेकिन बड़ा मुद्दा है, सुसाइड बहुत होते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो क्या सजेशन है इस शहर के लिए कि कैसे सुसाइड रोकें बच्चों के? सुसाइड के लिए तो निश्चित रूप से उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास वही संस्था कर सकती है जहाँ वो पढ़ रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं। रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, दोनों संस्थाओं के अंदर अगर कोलेब्रेशन हो तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास प्रबल होगा, उनको सुविधाएं, खेलने कूदने की सुविधाएं जब मिलेगी ज़्यादा, तो निश्चित रूप से वह जो है। पार्टियों को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, जो आम जनता ये बताए कि नेताओं को ये करना चाहिए जिसकी वजह से ये आत्महत्याएं रुक जाए? नेताओं को बॉन्ड करना चाहिए। हाँ। नेताओं को जो सरकार में है उनको बॉन्ड करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि बच्चों को इंटरटेनमेंट भी मिले, बच्चों को गेम्स भी मिले, हर वह जगह जहाँ वह मतलब अपने अंदर एक नई जीवन स्फूर्ति उर्जित कर सके। हिंदुस्तान के कोने से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अधिकारी बनते हैं, लोग करते हैं, और यहाँ ये देखो ट्रैक्टर वाले जो भाई साहब हैं, इनसे जरूर जानूंगा मैं। और उससे पहले एक बार रुकिएगा, कहाँ से हैं आप? मंडाना से। अच्छा, लोकसभा चुनाव है तो ये बताइए कि यहाँ किसका मिजाज अच्छा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का है। अम्मा क्या नाम है आपका? मोनी।
अच्छा ये बताइए कि बीजेपी की कांग्रेस बीजेपी का है, ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आगे लीजिए, चलाइए चलाइए। हाँ तो ये बताइए कि स्थिति क्या है? आप इतना तो हम जानते नहीं, स्थिति क्या है? तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो किस तरीके से देखते हैं आप कि भाई क्या है मामला? जब आपके साथ में बैठते होंगे सवारी, तो सवारी क्या बात करती है? सवारी तो बीजेपी की करती है। सवारी बीजेपी की बात करती है? ये कह रहे हैं कि सवारी बीजेपी की बात करती है। भाई सवारी बीजेपी की बात करती है। ट्रैक्टर वाले से प्रॉमिस मैंने किया था, ट्रैक्टर वाले से बात करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह खींची। खींची जी ये बताइए कि स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी जीते। नरेंद्र मोदी जीते? हाँ नरेंद्र मोदी जीतेगा भैया यहाँ पे। सब क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा। ये बताइए माहौल किसका, बीजेपी की कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कहाँ किसका माहौल है, बीजेपी का कि कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी है? अरे अंकल ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो। ये बताइए कि माहौल किसका है यहाँ पे सियासी? बीजेपी 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 का है क्या? बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी का है कि कांग्रेस का माहौल? कोटा में क्या कह रही है पब्लिक? बीजेपी का माहौल। क्या बोलती पब्लिक? बीजेपी का माहौल है। रोड पे क्या सुनने को मिलता है, रोड की रिपोर्ट बताओ। बस बीजेपी रोड पे बीजेपी की है मामला, रोड पे बीजेपी का माहौल ज्यादा है। तो आंटी से पूछेंगे, आंटी से बात करेंगे। आंटी फ्रूट लिए आपने? जी। फ्रूट सस्ते कि महंगे? सस्ते सस्ते चल रहे हैं फ्रूट, सस्ते चल रहे हैं भाई। तो आंटी ये बताइए, तो सस्ते ही है। तो ये बताइए कि आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी का मैं सियासी मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्थिति बताइए कि क्या है, किसका माहौल ज्यादा चल रहा है? अभी तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, बराबर है, मतलब देखो बराबर है। ये अंदर की रिपोर्ट है? अंदर की है। ये आंटी कह रही है कि अंदर की रिपोर्ट है, स्थिति ज्यादा खराब है। और यहाँ पे देखिए ये अस्पताल है, और अस्पताल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मेडिकल दुकान पे जरूर मैं जाऊंगा और यहाँ जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी जगह होती है कि लोग बहुत आते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा शुरू करते हैं तो बातचीत भी करेंगे। दोस्त क्या नाम है आपका? भुवनेश। उन्हें जी ये बताइए कि बहुत सारे मरीज आते होंगे, चर्चा वर्चा होती होगी, बैठते होंगे, गपशप होती होगी, तो सियासी गपशप में रोड की रिपोर्ट में क्या? ये तो जो सत्ता पक्ष है अभी, हाँ मोदी सरकार है, उसी के फेवर में पब्लिक बोल रही है। मतलब मोदी के फेवर में बोल, मोदी के फेवर में बोल, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। यहाँ से ओम जी 100% जीत रहे हैं, और उनके सामने जो दूसरा कैंडिडेट है वो कहीं भी नहीं टिकता। ओम जी का व्यवहार, राहुल गांधी यहाँ से पदयात्रा लेकर के निकल गए, पैर में छाले पड़ गए, पैदल चल लिए, वो किसानों के लिए मर लिए, और कह रहे हैं वो हड़ौती की जनता उनके साथ है, आप कह रहे हैं बीजेपी? साहब राहुल गांधी ने कैबिनेट के पास हुआ ऑर्डिनेंस को बाहर आके फाड़ दिया, पैदल यात्रा चलने से क्या होता है आप देखिए ना। ये कहते हैं अहंकार है, अहंकार किसे कहते हो आप? ये है अहंकार। पब्लिक का मूड क्या है, और रोड से रिपोर्ट मैं कर रहा था, मैंने बताया सियासी मिजाज क्या है कोटा बूंदी लोकसभा सीट का, और जब कोटा बूंदी लोकसभा सीट का सियासी मिजाज आपने देखा, रोड से रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि पब्लिक के मन में क्या है, वोटर का मिजाज क्या है, और 24 में मोदी करेंगे 400 पार या फिर गठबंधन का हो जाएगा बेड़ा गर्क।